भक्तों, बृहस्पतिवार व्रत कथा से पहले आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की विधि। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले फलों का प्रयोग करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। यह व्रत करने से बृहस्पति देवता अति प्रसन्न होते हैं तथा धन, अन्न और विद्या व रूपवान पत्नी का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए ये व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। श्रोताओं, आइए अब श्रवण करते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहा करता था। वो जहाज में माल लदवा कर दूसरे देशों को भेजा करता था और खुद भी जहाजों के साथ दूर दूर के देशों में जाया करता था। इस तरह वो खूब धन कमा कर लाता था। उसकी गृहस्थी खूब मजे से चल रही थी। वो दान भी जी खोल कर करता था, परंतु उसका इस तरह से दान देना उसकी पत्नी को बिल्कुल पसंद न था। वो किसी को भी एक भी दमड़ी देकर खुश न थी। एक बार जब वो सौदागर माल से जहाज को भरकर किसी दूसरे देश को गया, तो पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण कर उसकी कंजूस पत्नी के पास पहुंचे और भिक्षा की याचना की। उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देवता से कहा, महात्मा जी, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई। मेरा पति सारा धन दान में व्यर्थ ही नष्ट करता है। आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा सभी धन नष्ट हो जाए। इससे ना तो धन लूटेगा और ना ही मुझे दुख होगा। बृहस्पति देवता ने कहा, देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास बहुत धन है तो तुम दिल खोलकर पुण्य कार्य करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। कितने ही निर्धनों की कुंवारी कन्याएं धन के अभाव में अविवाहित बैठी हैं, उनका विवाह संपन्न कराओ। और भी अनेक पुण्य कार्य हैं जिनको करके तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। लेकिन व्यापारी की स्त्री बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं इस विषय में आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जो मैं दूसरों को बांटती फिरूं। बृहस्पति देवता बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। तुम सात बृहस्पतिवार गोबर से घर लीप कर पीली मिट्टी से अपने केशों को धोना, भोजन में मांस मदिरा ग्रहण करना, कपड़े धोना, बस तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। उस औरत ने बृहस्पति देवता के कहे अनुसार सात बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल छह गुरुवार बीतने पर ही उस स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया और वे स्वयं भी परलोक सिधार गई। उधर माल से भरा उसके पति का जहाज समुद्र में डूब गया और उसने
बड़ी मुश्किल से लकड़ी के तख्तों पर बैठकर अपनी जान बचाई। वो रोता धोता अपने नगर में वापस पहुंचा। वहां आकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री से सब समाचार पूछा। लड़की ने पिता को उस साधु वाली पूरी कहानी सुना दी। उसने पुत्री को शांत किया। अब वो प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ियां चुन लाता और उन्हें नगर में बेचकर अपनी जीविका चलाने लगा। मगर गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास एक भी पैसा नहीं था कि उसको दही लाकर देता। लकड़हारा उसे आश्वासन देकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा का विचार कर रोने लगा। वो गुरुवार का दिन था। बृहस्पति देवता उसकी ये अवस्था देखकर साधु का रूप धारण कर उस व्यापारी के पास आ पहुंचे और कहने लगे, लकड़हारे, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर उसने आद्र कंठ और भीगी आंखों से बृहस्पति देवता को अपनी आप बीती सुना दी। बृहस्पति देवता ने कहा, भाई, तुम्हारी पत्नी ने गुरुवार के दिन भगवान का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेंगे। तुम मेरे कहे अनुसार गुरुवार के दिन बृहस्पति का पाठ किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का मंगवा कर जल के लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर वो अमृत और प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों तथा कथा सुनने वालों में बांट दो और खुद भी अमृत पान किया करो तथा प्रसाद खाया करो, तो भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर उस व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझे लकड़ियों में से तो इतना भी लाभ नहीं कि 2 पैसे की दही लाकर भी अपनी इकलौती कन्या को खिला सकूं। उसको मैं हर रोज झूठा आश्वासन देकर टालता आता हूं। बृहस्पति देवता ने कहा, भक्तराज, तुम चिंता मत करो। आगामी गुरुवार के दिन तुम शहर में लकड़ियां बेचने के लिए जाना। तुमको उस दिन लकड़ियों के 4 पैसे अधिक मिलेंगे, जिसमें से तुम 2 पैसे का दही लाकर अपनी पुत्री को खिलाना और 2 पैसे की मुनक्का और चने लाकर गुरुवार देवता की कथा करना। जल में जरा सी शक्कर डालकर अमृत बनाना और कथा का प्रसाद सब में बांटना और खुद भी खाना, तो तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर ध्यान हो गए। गुरुवार के दिन उस व्यापारी ने जंगल में से लकड़ियां इकट्ठी की और शहर में बेचने के लिए गया। उसको उस दिन 4 पैसे अधिक मिले, जिसमें से 2 पैसे की दही लाकर उसने अपनी लड़की को दे दी और 2 पैसे के चने और मुनक्का लेकर अमृत बनाकर प्रसाद बांटा और प्रेम से खाया। उसी दिन से उसकी सब कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु अगले गुरुवार को वो बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गया। शुक्रवार को उस नगर के राजा ने आज्ञा दी कि कल मैंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया है, अतः कोई भी व्यक्ति
अपने घर में अग्नि न जलाए और समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन करे। जो इस आदेश की अवहेलना करेगा उसे सूली पर लटकाया जाएगा। राजा की आज्ञानुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने गए, लेकिन वो व्यापारी और उसकी लड़की दोनों तनिक विलंब से पहुंचे। अतः राजा ने उन दोनों को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन करवाया। जब वो पिता पुत्री भोजन करके वापस आ गए तो महारानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार टंगा हुआ था। उस खूंटी पर अब हार नहीं था। महारानी को विश्वास हो गया कि उसका हार लकड़हारा और उसकी पुत्री ही ले गए हैं। फौरन सिपाहियों को बुलाकर दोनों बाप बेटी को कैद करवाकर जेल में डाल दिया। कैद खाने में पड़कर बाप बेटी दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां इन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देवता वहीं प्रकट हो गए और व्यापारी से कहने लगे, भक्तराज, तुम पिछले सप्ताह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गए थे, इसलिए तुम्हारा ये हाल हुआ है। परंतु तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े दिखाई देंगे। तुम वो पैसे उठाकर चने और मुनक्का मंगवा लेना, फिर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना और कथा करना। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उस व्यापारी को जेल के मुख्य द्वार के पास 2 पैसे पड़े हुए मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि वो बाजार से उसे 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दे, ताकि मैं बृहस्पति देवता की कथा कर सकूं। इस पर उस स्त्री ने कहा, मैं अपनी बहू के लिए कपड़े सिलवाने जा रही हूं, मैं बृहस्पति भगवान को क्या जानूं। इतना कहकर वो औरत वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उस स्त्री को बुलाकर प्रार्थना की, बहन, तुम मुझे बाजार से 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दो, मुझे बृहस्पति देवता की कथा करनी है। वो स्त्री बृहस्पति देवता का नाम सुनकर बोली, बलिहारी जाऊं वीर भगवान के नाम पर, मैं तुम्हें अभी मुनक्का और चने लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, मगर अब पहले तुम्हारा काम करूंगी, उसके बाद बेटे के लिए कफन लाऊंगी। उस स्त्री ने व्यापारी से 2 पैसे लिए और बाजार से चने और मुनक्का ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देवता की कथा सुनी। कथा समाप्त होने के बाद वो स्त्री अपने पुत्र के लिए कफन लेकर अपने घर की ओर रवाना हुई, तो क्या देखती है कि लोग उसके बेटे की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर ले जा रहे हैं। उस स्त्री ने लोगों से कहा, भाई, मुझे अपने लाडले का मुख तो देख लेने दो। लोगों ने अर्थी को जमीन पर रख दिया। तब उस स्त्री ने अपने मृत पुत्र के मुख में प्रसाद और अमृत डाला। प्रसाद और अमृत के मुख में पड़ने के साथ ही उसका पुत्र उठ खड़ा हुआ और अपनी माता को गले से लगाकर मिला। दूसरी स्त्री, जिसने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जब अपने पुत्र के विवाह के लिए कपड़े लेकर वापस लौटी तो उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर बारात में निकला तो घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि वो जमीन पर आ गिरा तथा बुरी तरह से घायल हो गया और कुछ ही क्षण के पश्चात
मर गया। तब वो स्त्री रो रो कर बृहस्पति देवता से कहने लगी, हे देव, मेरा अपराध क्षमा करो, मेरा अपराध क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान बृहस्पति साधु का रूप धारण कर वहां आए और उस स्त्री से कहने लगे, देवी, अधिक विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने गुरुवार देवता का निरादर किया, जिसका परिणाम तुम्हें मिल गया है। तुम जेल खाने जाकर भक्त से क्षमा याचना करो, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो स्त्री फिर जेल खाने पहुंची और मुख्य द्वार के पास जाकर उस व्यापारी से हाथ जोड़कर कहने लगी, भक्तराज, मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना, मुनक्का और चने लाकर तुम्हें नहीं दिए। इससे गुरुवार देवता मुझसे रुष्ट हो गए, जिसके कारण मेरा इकलौता लड़का घोड़ी से गिरकर मर गया। व्यापारी ने कहा, माता, तू चिंता मत कर, गुरुवार देवता सब कल्याण करेंगे। तुम अगले गुरुवार को आकर बृहस्पति देवता की कथा सुनना। तब तक अपने पुत्र के शव को फूल, इत्र, घी आदि सुगंधित पदार्थों में रख दो। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। बृहस्पति का दिन भी आ पहुंचा। वो दो पैसे के मुनक्का और चने लेकर तथा पवित्र जल का लोटा भरकर जेल के द्वार पर आई और श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो अमृत व प्रसाद लाकर अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। अचानक उसकी सांस आने लगी और वो उठकर खड़ा हो गया। पुत्र को लेकर वो महिला खुशी से अपने घर की ओर रवाना हुई और बृहस्पति देवता के गुण गाने लगी। उसी दिन रात्रि में राजा को बृहस्पति देवता ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में बंद किया है, वो दोनों निर्दोष हैं। अब दिन निकलने के साथ ही दोनों को जेल से रिहा कर दे। तेरी रानी का नौलखा हार उसी खूंटी पर लटका है। दिन निकला तो रानी ने अपना हार खूंटी पर लटका देखा। राजा ने उस व्यापारी को जेल से रिहा कर अपने अपराध के लिए उससे क्षमा मांगी और उसको अपना आधा राज्य देकर तथा उसकी लड़की का उच्च कुल में विवाह कर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी मनोकामना होती है वो पूर्ण करते हैं। इस व्रत के करने से व्यक्ति रोग मुक्त व निर्धन धनवान होता है, निपुत्र पुत्रवान होता है, यश व ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, जीवन सुखमय होता है, मन की चिंताएं भी दूर होती हैं। जो कोई श्रद्धा और प्रेम से बृहस्पति देवता की कथा पढ़ेगा अथवा दूसरों को पढ़कर सुनाएगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी।